हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। आज हम लोग निकल गए हैं, सबसे पहले नहा धो के सुबह ही निकलने वाले थे, लेकिन इतनी बारिश कि पूरा सुबह से उठ के भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमें निकलते निकलते है करीब 7:30 बज गया है। सोचे थे 5 बजे ही निकल जाएंगे, तो हम लोग सीधे निकले हैं और पहुँच गए हैं संकट मोचन बाबा के दरबार में। अंदर तो वीडियो बनाने का या कैमरा ले जाने का अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही वीडियो बना लिए हैं। अंदर दर्शन करके आने के बाद यहाँ आके जो सुकून मिलता है, ये बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है। क्या तो ये अचानक से केक का प्लान बना, तो हम पहले सबसे पहले दीदी केक मिक्स ले आई थी, तो ये चॉकलेट फ्लेवर था, तो इसमें हमें 2 चम्मच मेल्टेड बटर डाले और नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध का, और सबको मिला के साथ में एक अच्छा सा बैटर बना लिया उसका, और उसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया। और कुकर में नमक और एक प्लेट रख दिए थोड़ा सा माइक्रोवेव जैसा करने के लिए। माइक्रोवेव तो है लेकिन हम उसमें बनाए नहीं, तो चलो कुकर में ट्राई करते हैं। और ये हम लोग पूरा उसके ऊपर चॉकलेट का सिरप का तैयारी करने लगे थे, चॉको सिरप का। तो ये सब हम चॉकलेट्स लिए थे, और जो केक था हम लोग का वो चॉकलेट फ्लेवर था, और इसको डेकोरेट करने के लिए बहुत सारा नोज़ल का भी मेरे पास था। तो हम देखने लगे कि कौन सा अच्छा लगेगा, किस में बनाना चाहिए किस में नहीं बनाना चाहिए, और हम और दीदी चूज़ कर रहे थे कि ये सही रहेगा। फिर जा रहे थे हम लोग चॉकलेट का सिरप बनाने, तो हम लोग लिए हैं डेरी मिल्क और चॉकलेट सिरप जो पैकेट वाला आता है वो, और ओरियो के अंदर का जो वाइट वाला चॉकलेट होता है ना वो भी ले लिए, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था। तो वो सबको हम लोग साथ में जैसे डबल बॉयलिंग प्रोसेस में करके बॉयल करते हैं, मेल्ट करते हैं, वैसे ही किए थे। नीचे एक बोल में पानी रखे थे, उसको आँच पे चढ़ाए थे, गर्म किए थे, फिर उसके ऊपर भी चॉकलेट वाला बोल रख के उसको धीरे धीरे हल्का हल्का दूध मिलाते मिलाते हम लोग को उसको मेल्ट करना था। ऐसे अच्छे से मेल्ट होता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, और चॉकलेट भी ड्राई फ्रूट वाला था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा फ्लेवर था उसका, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा क्रंची क्रंची सा आ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरे साइड हम लोग का माइक्रोवेव, तो हम ये नहीं यूज़ किए थे, तो कुकर में ही जो केक बना रहे थे वो धीरे धीरे हम लोग का रेडी हो रहा था। और जैसे कि देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा ऊपर उठ के फ्लफ़ी सा केक बना था, जो बिल्कुल भी लग भी नहीं रहा था और एकदम अच्छे से पक गया था। अब ठंडा होने के लिए हम लोग उसको रख दिए थे, तब भी हम उसमें उसको निकालने की कोशिश में थे कि भगवान बस जला ना हो नीचे से। और वो एक बार में बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही स्पंजी सा केक बनकर निकला, जो बहुत ही खुशी हुआ देखने में। फिर हम लोग सोचे कि चलो इसको हम लोग लेयरिंग वाला, जैसे बाहर का केक बनता है वैसा केक बनाते हैं। तो हम लोग जो उसका ब्रेड था ना, हम लोग उसको 2-3 लेयर में कट कर दिए, वो जल्दी ठंडा भी हो गया, क्योंकि गरम ब्रेड पे क्रीम नहीं लगाते, वो बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लगता है। तो इसलिए ब्रेड को हम लोग 3-4 टुकड़े में फटाफट काट दिए, और वो जल्दी ठंडा भी हो गया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा केक को हम लोग को बनाने में। तो ये तो वैसे दीदी से कट करा रहे थे, क्योंकि हमसे पक्का हमें लग रहा था कि हमसे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर कट जाएगा, तो ये दीदी से कट करा दिए और ये हम लोग कट करा के रख दिए। और नीचे सबसे पहले हम लोग बेस में लगाएं क्रीम, फिर रखें ब्रेड, और ये था पानी और चीनी का एक शुगर सिरप बनाए थे वो, और फिर रखें क्रीम, ऊपर मेल्टेड चॉकलेट रखें, उसको अच्छे से मेल्ट किए, फिर एक स्पॉन्ज रखें, और सब कुछ सेम प्रोसेस था ये। वैसे ही 2-3 लेयर जितना भी ब्रेड को हम लोग कट किए थे उतना लेयर हम लोग किए। उसके बाद केक बनाते बनाते जैसे थक गए, वैसे ही वॉइस ओवर देते थे भी साथ, थक गए हम, क्योंकि आदत तो है नहीं बोलने का, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। और तो फिर ये केक बनाने में तो भाई साहब, जो थकान और जो डर लग रहा था कि उल्टा का सीधा चीधा, क्योंकि देखो हम बना कुछ और, ये इग्लू शेप का पता नहीं क्या बन गया था हमसे, और हमें बिल्कुल ध्यान नहीं था कि हमें इसको ऊपर से भी, मतलब सर्कल शेप में करने के लिए हमें इसको ऊपर से भी एकदम प्लेन करना होगा, और हम उसको गोल पे गोल किए जा रहे, वो इग्लू बन गया था पता नहीं कैसा। फिर बड़े मुश्किल से दिमाग में आया तो वो बनाए, फिर फटाफट नोज़ल से भी सुंदर सा डेकोरेट करने का कोशिश की, और जो मेल्टेड चॉकलेट था उसको बीच में डाल दिए, और ऊपर से जो हम लोग का बचा हुआ ओरियो का जो बिस्किट था उसको हम लोग पाउडर बना दिए थे, थोड़ा वेलवेट वाला टच लाने के लिए, और साइड से थोड़ा थोड़ा चॉकलेट गिराते थे, लगा था ख़राब ना हो जाए, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं किए थे, लेकिन फिर लगा शायद नहीं होगा। तो केक तो हम लोग का बन के रेडी है, और ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये सब पिज्ज़ा का बेस, ये सब चीज़ आपको दीदी तो बता दें क्या बना रहे थे। हमें पिज्ज़ा बेस था और सभी को पिज्ज़ा देना था, और हम लोग थे 7 और पिज्ज़ा बेस था 2,
और सबका मन था पिज़्ज़ा खाने का, तो हमने क्या करा कि पिज़्ज़ा बेस को सारे कट कर करके ऐसे चौड़े चौड़े स्ट्राइप्स में कट कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से टमाटो सॉस, शेज़वान और मेयोनी को मिक्स करके पिज़्ज़ा सॉस बनाया, क्योंकि बाहर का पिज़्ज़ा सॉस ना बहुत ज़्यादा टैंगी फ्लेवर और खट्टा खट्टा सा लगता है, तो हम लोग घर में जो पिज़्ज़ा सॉस रेडी करते हैं ये तीनों को मिक्स करके वही बनाया। उसको अच्छे से बेस के ऊपर लगाया कट करने के बाद, और रॉ ओनियन यूज़ करा। इससे पहले हम लोग हमेशा उसको फ्राई करके यूज़ करते थे सारे वेजीज़ को, लेकिन अब ऐसा नहीं किया, उसको रॉ ओनियन जो था उसको कट करके उसके ऊपर डाला। हमारे पास कैप्सिकम नहीं था तो कॉर्न यूज़ किया, क्योंकि कॉर्न ओनियन भी बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत डिलीशियस पिज़्ज़ा बनता है, तो वो भी रॉ ही था, उसको बॉयल नहीं करा था, कुछ नहीं किया था, वो उसके ऊपर डाला। फिर ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जो भी हर्ब्स होते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर डालने वाले, वो हमारे पास था, वो सब कुछ अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड आउट करा। नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि अलग से नमक का कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, टेस्ट आ जाता है बहुत अच्छा सा, थोड़ा स्वीट, थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा स्पाइसी। उसके बाद चीज़ था हमारे पास, हमने अच्छे से अमूल चीज़ पूरा भर भर के अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड करा, बढ़िया से बना के रेडी हुआ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया था। पापा को बहुत पसंद था और पापा की पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो हम लोग थोड़ा 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 सब कुछ बना रहे थे और काफ़ी अच्छा बन के निकल के आया पिज़्ज़ा, सबको बहुत पसंद आया था ये। और आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ और बना, ये सब कुछ आपको मम्मा बताएंगी। बाय। बाबा का दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, और चूँकि आज काफ़ी भीड़ भी है और सोमवार तो पूरा, वैसे तो बनारस हमेशा भीड़ भाड़ वाला जगह बन गया है, लेकिन ये सावन का जो महीना चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, काफ़ी गर्मी लगने लगा हम लोगों को। कहीं भी रुक के कुछ खाने का इच्छा नहीं था, क्योंकि घर पर बहुत सारा प्लानिंग चल रहा था, तो हम लोग यहाँ सिर्फ रुके हैं और एक एक ग्लास जूस पिए हैं। जूस पीने के बाद यहाँ से हम लोग सीधे घर पर गए हैं और मनाए हैं एक छोटू सा हैप्पी बर्थडे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में, मैं रेखा। तो जैसा कि हम दर्शन करने गए थे वो हम आपको दिखाए हैं, और चारू केक बनाई थी इसलिए कि उनके पापा का बर्थडे था और बच्चों को आता है कुछ चीज़ अच्छे से बनाना, तो वो ऐसे ही मौके पे बना पाती हैं, क्योंकि मीठा बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, तो केक बहुत अच्छा बनाती है चारू। तो चारू केक का पूरा प्रोसेस तैयार की थी, वो अपने वॉइस मैसेज में आप लोग को दिखाई है कि वो केक कैसे बनाई है, और दो पिज़्ज़ा बेस से कैसे सारे घर को पिज़्ज़ा खिलाया गया, ये नैन्सी का करामात था। और बाकी तो सारा कुछ, समोसा भी जो बना था उसका वीडियो हम इसमें नहीं डाले हैं, वो वीडियो आप लोग कल देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा यमी और टेस्टी समोसा था। अगर आप लोग रणवीर बरार को अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आप लोग समोसा देख के समझ जाएंगे कि ये किसका बनाया हुआ डिश था। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने ट्राई किया है, हम नहीं, नैन्सी ट्राई की है, हमें सिर्फ उसको तलना था तो हम उसे तल दिए हैं, और बाकी जो कुछ भी उसके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, जो कुछ भी बना उसका मसाला वगैरह, जो कुछ भी आप लोग देखेंगे वो सारा कुछ नैन्सी का भी ही किया हुआ था। कि तो छोटा सा छोटू सा एकदम छोटू सा बर्थडे था उनके पापा का, कोई पार्टी नहीं था, कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, तो हम लोग सिर्फ कुछ चीज़ें घर में बनाए थे, स्नैक्स वगैरह, और बाकी सारा जो रात का डिनर था वो बाहर से हम लोग खाना मंगा लिए थे। बस जो भी छोटा मोटा काम किए वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं, तो आप लोग भी मेरी एक छोटी सी फैमिली हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ओके बाय। ये मेरा वॉइस मैसेज रात का है, तो इसलिए गुड नाइट।